శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि चाणक्य के अनुसार संसार में 6 रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे मनुष्य जो है वो सेटिस्फाइड होता है. वो 6 रिश्ते कौन से हैं? हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत ही महत्व होता है और रिश्तों पर ही हमारा जीवन चलता है, आपका भी हमारा भी. तो आज हम आपको चाणक्य जी की एक ऐसी नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करता है. आप सबको मालूम है कि चाणक्य एक महान ज्ञानी पुरुष थे, नीतिकार थे. उन्होंने अपनी नीतियों से मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं. उन्हीं नीतियों में से एक नीति की बात करने जा रहा हूं और वो है रिश्ता. रिश्ता जो हमें जीवन में आगे ले जाएगा, मनुष्य के जीवन को सुखी बनाता है. उसमें सबसे पहला रिश्ता है सत्य के साथ हमारा रिश्ता. सत्य, इसे सत्यम कहते हैं. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्यम माता, यानी कि सत्य को हमेशा अपनी माता के समान स्वीकार करना चाहिए. सत्य का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है और सत्य को हमेशा अपनी माता के समान स्वीकार करना चाहिए. इस विश्व का सबसे सुंदर और सबसे निर्मल नाता है माता और पुत्र का. मां अपने संतान से सदैव प्रेम करती है. आपको ही पता है कि आपकी मां आपसे कितना प्यार करती है. पुत्र अपनी माता से भी उतना ही प्रेम करता है. जब भी हमें ठोकर या चोट लगती है हमारी जुबान पर सिर्फ मां का नाम आता है. उसी तरह जीवन में हमेशा मुख पर सत्य ही आना चाहिए. सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी कोई भय नहीं रहता है. जैसे अपनी मां की गोद में बैठे बालक को अपनी मां पर पूर्ण विश्वास होता है, उसी तरह हमेशा सत्य पर विश्वास का उसका साथ देना चाहिए. झूठ के मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन में कभी ना कभी तो ठोकर खाते ही हैं और उस समय उसको केवल सत्य ही बचा सकता है. जैसे ठोकर लगने पर मां का नाम याद आता है, उसी प्रकार सत्य का साथ आप स्वयं को मुश्किलों में फंसाने से बचा सकते हैं. सत्य आपको हमेशा बचाएगा. एक सी छोटी सी बात है, जैसे अपनी मां के गोद में बैठे बालक को अपनी मां पर पूर्ण विश्वास होता है, उसी तरह हमेशा सत्य पर विश्वास का उसका साथ देना चाहिए. झूठ के मार्ग पर चलने वाले लोगों को जीवन में कभी ना कभी तो ठोकर का सामना करना ही पड़ता है. दूसरा रिश्ता जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा ज्ञान के साथ रिश्ता है. ज्ञान, देखिए एजुकेशन और ज्ञान को आप मिक्स मत कीजिएगा. आचार्य चाणक्य के अनुसार पिता को ज्ञान का दर्जा दिया गया है. इसका अर्थ है ज्ञान का पिता के समान आदर करो. जब भी आप किसी मुश्किल में फंस जाते हो तो आपके पिता आपकी मदद के लिए सबसे पहले नंबर पर होते हैं. वैसे ही ज्ञान आपकी सहायता करता है. और कहा जाता है कि अज्ञानी मनुष्य इस संसार में किसी पशु की तरह होता है जो हमेशा बोझ उठाता है, लेकिन एक ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान के सहारे से हर मुश्किलों को पार कर लेता है. आचार्य चाणक्य इसी को ज्ञानम कहते हैं. ज्ञानम मतलब अर्थ है ज्ञान का पिता के समान आदर करो. ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञान के सहारे से हर मुश्किल को हल निकाल लेता है, इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का अपना पिता के समान आदर करो. तीसरा है धर्म. चाणक्य कहते हैं धर्मो भ्राता. इसका अर्थ है कि अपने धर्म को अपने बंधु समझकर उसकी रक्षा करनी चाहिए. जैसे आपका भाई आपकी रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहता है, उसी प्रकार आपको धर्म का पालन करना चाहिए. और मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है मानवता. मानवता ही हमारा धर्म है.
सदा धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा लोग सम्मान करते हैं। आप आज भी आप देखिए, जो लोग धार्मिक प्रवचन वगैरह करते हैं उनके कितना सम्मान होता है, उनका एक सम्मान डिफरेंट लेवल का होता है। जैसे पांच पांडव में धर्मराज युधिष्ठिर का, उनके पांचों भाई उनका आदर करते थे, उस आदर की प्रकाष्ठा देखिए। इवन जब वो लोग धृत कीड़ा कर रहे थे तो द्रौपदी को उन्हें दाव पे लगा दिया, पर जो आदर है उन्होंने छू तक नहीं की। तो युधिष्ठिर के सभी कथन को सत्य मानकर उनका साथ देते थे पांचों भाई, चारों भाई, इनफैक्ट पांच तो थे ही। उसी प्रकार मनुष्य को अपने धर्म का अपने भाई की आज्ञा के समान पालन करना चाहिए। उसके बाद है दया। दया बहुत बड़ी कला है और इसको हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए, दया को। चाणक्य कहते हैं दया सखा, इसका अर्थ है दया ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। दया मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो शत्रुओं को मित्र बना देता है। हमेशा क्रोध में रहना उचित नहीं होता। दूसरों पर दया करने वाला मनुष्य संसार में पूजा जाता है, इसीलिए हमेशा दया करना सीखना चाहिए। दया ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। दया मनुष्य का एक ऐसा गुण है जो शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है। तो आपको पूजनीय बनना है तो दया होना चाहिए। उसके बाद है क्षमा। क्षमा से तात्पर्य है, चाणक्य का, कि क्षमा को आप अपने पुत्र के समान समझिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुत्र को कोई भी भूल हो जाने पर माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, उसी प्रकार उसे सभी लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा से बड़ा कोई उपाय नहीं है मित्रता बढ़ाने का, रिलेशन बढ़ाने का। इसलिए इसको सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। क्षमा से बड़ा दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुत्र की हर भूल माफ करता है, आप भी लोगों को माफ कर दिया करो। और उसके बाद है शांति। चाणक्य कहते हैं शांति ही पत्नी है। इसका अर्थ है मनुष्य को शांति को ही अपनी पत्नी समझना चाहिए, क्योंकि शांत वातावरण मनुष्य का मन तृप्त हो जाता है, जैसे कि उसकी पत्नी का प्रेम मिलने पर उसका मन तृप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए मनुष्य को शांत रहना चाहिए। क्रोध के आगोश में रहने वाले मनुष्य को भी सुख नहीं मिलता। जो मनुष्य अपने स्वभाव को हमेशा शांत रखता है, क्रोध को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आप नाराज ही नहीं होगे, गुस्सा ही नहीं होगे, तो आदमी खुद ही खुद शांत हो जाएगा। आपसे कोई झगड़ा करे, आपके घर में कोई झगड़ा करे, आप शांत रहो, आप चुपचाप बाहर निकल जाओ, तो आपका झगड़ा ही नहीं होगा। तो ये सात रिश्ते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल।